आर 190 कंप्रेसर है स्क्रॉल का, 380 वोल्टेज है। ये इसका SSPS है, SSPS स्विच है, सेम स्ट्रेट सॉलिड प्रोटेक्शन सिस्टम है ये। तो सेम ओवरलोड है, यानी कि किसी भी वजह से अगर वाइंडिंग इसका वीक होता है, कंप्रेसर में कुछ एबनॉर्मल होता है इंटरनल, तो वो कंप्रेसर को ये कंटिन्यूटी नहीं देगा M2 M1। इसका यही काम है, सेम ओवरलोड है, नाम है SSPS, स्ट्रेट सॉलिड प्रोटेक्शन सिस्टम है। तो अगर किसी भी कंप्रेसर हाई एम्स ले रहा है, वाइंडिंग वीक हो गया है, वाइंडिंग डैमेज हो गया है, पिस्टन जाम हो गया, कुछ भी इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम ऐसा होता है, तो ये कंटिन्यूटी नहीं देगा। तो उसका जो ये वायर देख रहे हैं 1 और 2, T2 और T1, इसको 220 वोल्टेज चाहिए। यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है सप्लाई 115 से लेके 230 तक ही चलेगा, लेकिन जो इसको वोल्टेज इसमें 230 आता है जामिल का ये यूनिट में। और ये जो वायर नंबर 1 और 2 जामिल का, जितने भी AC में 1 और 2 220 वोल्टेज है, ये याद रखने। तो ये तो 220 वोल्टेज कहाँ पर चाहिए, SSPS का जो टर्मिनल है, टोटल 6 टर्मिनल है, T2 T1 S2 S1 M2 M1। तो T2 में न्यूट्रल का लाइन जाएगा, T1 में फेस जाएगा, तो 220 हो गया सिंगल फेस वाला। और बाद में M2 और M1 ये सीरीज में है, ये PCB में जाएगा। तो जब ये नॉर्मल रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ओके रहेगा, तो ये इसमें कंटिन्यूटी बताएगा। अभी पावर ऑफ इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि अभी कंप्रेसर रेडी है, मतलब काम बाकी है, वैक्यूम करके गैस चार्ज करना है। तो मुझे याद आया तो मैं इसका एक वीडियो बना रहा हूँ SSPS का। तो जब नॉर्मल रहेगा, सब कुछ ओके रहेगा, तो कंटिन्यूटी बताएगा। अगर इसमें कंटिन्यूटी नहीं बता रहा तो कुछ प्रॉब्लम है, या वो SSPS डैमेज है, तो दो में से कुछ एक काम होगा। तो M2 M1 में नॉर्मली कंटिन्यूटी बताना चाहिए, अगर नहीं बता रहा है तो प्रॉब्लम है। बाद में बच्चा S1 S2 S2 ही जब सिग्नल देगा, जब वाइंडिंग में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम होगा तो नॉर्मली वो क्लोज होता है, जैसे वो ओपन होगा तो वो क्या करेगा, M2 और M1 को ओपन कर देगा। और जब M1 M2 में कंटिन्यूटी नहीं देगा दिखाएगा, तो PCB में डायरेक्ट सिग्नल चल जाएगा, वहाँ से वो लॉकआउट हो जाएगा, ट्रिप कर जाएगा। यानी कि तो नॉर्मली मोटा मोटी बात यह है, T1 T2 में 220 वोल्टेज चाहिए, M2 M1 में कंटिन्यूटी दिखाना चाहिए, यही है इसका। तो M1 M2 में कंटिन्यूटीज दिखा रहा है तो वो ओके है, और नहीं दिखा रहा है तो SSPS का प्रॉब्लम है, या लूज वायरिंग है, या कंप्रेसर का वाइंडिंग आपको चेक करना पड़ेगा। तो जो SSPS का जो वायर है, जो M1 M2 में लगा हुआ है, 24D और 25D, ये दोनों वायर कहीं भी लग सकता है, ऊपर नीचे कर सकते हैं, M2 में M1 में कहीं भी लगा, क्योंकि सीरीज़ में है। तो सीरीज़ वाला वायर कभी भी, कोई भी से जो स्विच होता है सीरीज़ वाला, वो आप अल्टी पल्टी कर सकते हैं, यानी M2 के जगह M1 में लग गया गलती से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एक ही लाइन है। खासकर फेस न्यूट्रल में वो प्रॉब्लम होता है, वो चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें कोई मसला नहीं है। जो भी सीरीज में लाइन है, LP HP ओवरलोड SSPS NTIs, जितने भी सब स्विच है, सबको सीरीज में कोई भी अगर चेंज हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ये SSPS है, इसमें जामिल का स्क्रॉल कंप्रेसर में जामिल ये यूज़ करता है, तो वैसा मैं नहीं करता डालने का, फिर नहीं बोल रहे। ये 70 टन का यूनिट है, 4 कंप्रेसर है इसमें, टोटल 4 कंप्रेसर है।